तो सांग माने मु आज आपण मानक पई नै आछि खरा दिन पई गोटे बहुत ही बढ़िया क्रीम। यही क्रीम को जदि आपण लगाइबे तो देखिबे ए खरा दिने ना आपण को स्किन ने डलनेस आसीबो ना आपण को स्किन ने सनटैन हेबो ना पिगमेंटेशन ना डार्क स्पॉट हेबो ना आपण को स्किन ने पिंपल्स हेबो। दिन को दिन ए खरा दिने भी आपण को स्किन आहुरी अधिक गोरा आहुरी अधिक सुंदर देखाजिबो। यहर ग्यारंटी मोर आपण को जदि आपण ए क्रीम यूज करबे तो आपण मार्केट सब क्रीम को पूरा बाय बाय कर देबे। तो एथिपाई फ्रेंड्स आमे नेबा गोटे चम्मच चंदन पाउडर सैंडलवुड पाउडर एवं फ्रेंड्स एथिरे नै नबा 4-5 चम्मच रोज वाटर गोलाप जल तो एथिरे पकाई नेबे एवं एहाकु भिजाई रखि देबे पूरा 3-4 घंटा पई जहाँ फल चंदन पाउडर गोलाप जल रे भलो से भिजिजिबो। आउ ए गोलाप जल आमे जो मिसै छथि एही पानी रे चंदन नो सब गुण आसीजिबो। तो आमे एही पानीटा को यूज करबा तो एहिपरि एहाकु भिजाई 4-5 घंटा बा 3-4 घंटा पई छाडी देबे एवं तापरे आमे एहाकु यूज करबा। तो एहाकु देखंतु एपर छाडी दिंतु 4 घंटा एवं 4 घंटा हो जाए तो आपण मैंने देखिपे चंदन पाउडर तले बसी जाए आउर उपरूरी पा आई तो आम यह छाणी एवं यूज करवा। तो यह आप गोटे कपड़ा साहय छाणी तो फ्रेंड्स चंदन पाउडर आउ गोलाप जल खरा दिन बहुत ही बढ़िया आपण स्किन को कूलिंग एंड कामिंग करथाय आपण स्किन को थंडा करथाय सनटैन पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट को दूर करथाय आपण स्किन को आहुरी गोरा आहुरी सुंदर करथाय साथीरे दाग धब्बा पिंपल्स को भी दूर करथाय। तो देखंतु ए पानी एटी मोर बाहरी जाय छी जोंतरे की चंदन सब गुण रही छी। तो यही पानी रे आमे एबे क्रीम बनेबा ठीक अछि। तो यही पानी टा गुनबा आउ एथिरे ही आमे क्रीम बनेबा। तो देखंतु एटी मोर 2 चम्मच पाखा पाकी बाहर जाई छी चंदन यही पानी तो आकु आमे नै नेबी एही परी गोटे बोतल काचर बोतल जदि फ्रेंड्स आपन पाखरे किछि भी पुरणा बोतल अछि क्रीम बोतल आपन टाकु धोई परिष्कार करी सेहिथरे ही बनेबे। तो डायरेक्ट मु एथिरे बनो छी जोथिरे मु क्रीम बनेबा को चाहिमे। तो आपन एहाकु क्रीम कहि परिबे बा सिरम भी कहि परिबे। तो एथिरे आमे नै नबा तो एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल भी आपनको स्किन पई बहुत ही भलो खरा दिन पई ए आपणक स्किन को थंडा करथाय दाग धब्बा पिगमेंटेशन सनटैन को दूर करथाय एथिरे रहिथाय नेचुरल एसपीएफ जहाँ खरापाई होउतबा और जो खरापाई आपणक स्किन डैमेज होइथाय ताकु दूर करथाय। तो एटी गोटे चामच आप चाहिबे तो आपण एलोवेरा जेल आउ गोटे चामच कुकुम्बर जेल नै परिबे। जदि फ्रेंड्स आपण पाखरे कुकुम्बर जेल नाही तो आपण स्किप करि परिबे 2 चामच आपण एलोवेरा जेल नै नियंतु ठीक अछि। तो एटी मु नै नेउछि 2 चामच एलोवेरा जेल एथिरे ही पकई नबा एवं एथिरे आमे एबे नबा अधो चामच स्वीट आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल भी बहुत ही बढ़िया होता है आपण स्किन खरा दिन एथिरे भी नेचुरल एसपीएफ प्रॉपर्टीज रही आपण स्किन दाग धब्बा पिगमेंटेशन दूर कर स्किन को गोरा करता है। एथिरे नै नबा अधो चामच ग्लिसेरिन। जदि आपण स्किन बहुत ही ड्राई आपण एटी गोटे विटामिन ई र ऑयल भी एड कर पारिबे एवं एथिरे नै नंदु 8-10 टी ट्री एसेंशियल ऑयल जा पिंपल्स को कंट्रोल करथाय। जदि फ्रेंड्स आपण पाखरे एसेंशियल ऑयल नाही आपण स्किप भी करि पारिबे। तो ए सब जिनस को आपण भलसे मिस करंतु। तो ए को आपण भलसे मिस करबा द्वारा देखिबे ए गोटे बढ़िया से क्रीम कंसिस्टेंसी आसी जइबो जेपनि आपण मार्केट रो क्रीम किनि थानि सेही परि होइ जइबो बहुत ही अमेजिंग काम करथाय फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया। आपण चाहिबे तो एरो गुण बढ़िया पई एटी किछि केसर दागा मध्ये एड करि परिबे जहा द्वारा आपनको स्किन पई आहुरी बढ़िया हबो स्किन को गोरा करबा पई। तो देखंतु ए केते सुंदर क्रीम बनि रेडी आइछ। तो एहाकु आपण दिन रे डे क्रीम परि राति रे नाइट क्रीम परि भी यूज करि परिबे आउ एहाकु लगाइले आपनको स्किन एते सॉफ्ट स्मूथ ग्लोइंग ब्राइट हेबो जे आपण विश्वास करि परिबेनी। आपनको स्किन नु सबु दाग धब्बा पिगमेंटेशन कळापण पूरा पूरी दूर होइजिवो आउ जदि आपनको स्किन रे रिंकल्स फाइव लाइन्स थिबो ताहा मध्ये दूर होइजिवो। आउ फ्रेंड्स आपनको कोन दरकार आपण एहाकु बाहर भी स्टोर करी 2-3 मास पर्यंत रखी यूज करिपारिबे किंतु खरा दिने आपण जहाँ भी जिनस यूज करछन्नी मु आपण कहिबे आपण फ्रिज रे रखी थंडा थंडा यूज करंतु जहाँ द्वारा आपणक स्किन पई बहुत बढ़िया काम करथाय। तो फ्रेंड्स मो कथा मानी आपण थरे ए क्रीम को बनई लगांतु देखिबे ए खरा दिने आपणक केते बढ़िया रिजल्ट मिलबो। आपणक बाहर एते टंका दे किछि भी दामी दामी क्रीम किनिबा मोटे भी दरकार नाही आउ आपण ए क्रीम रे जहाँ भी आपण एड करबाकु चाहौछन्नी अन्य जिनस आपणक पसंद रे भी एड करिपारिबे अन्य जिनस किछि एड करबाकु चाहौछन्नी आपण निश बनांतु।